नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर है। बता दें कि दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के इस मुलाकात के समय दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। तो आज दिल्ली दौरे पर है सीएम योगी, कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह समेत कई बड़े चेहरे होंगे जो कि इस बैठक में शामिल होंगे, जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है सीएम योगी को, और इस मुलाकात के समय दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक दोनों ही मौजूद रहेंगे। और कयास लगाया जा रहा है कि सीएम योगी को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाएगा। इस बैठक में कई चीज़ों पे चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी है। सीएम योगी ने जब से अपने दूसरे कार्यकाल को संभाला, यानी कि योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद से ही सीएम योगी दिल्ली नहीं गए हैं। अब वो दिल्ली आज जब जा रहे हैं, ये इनका दिल्ली का पहला दौरा है। बता दें कि दिल्ली के दौरे पर सीएम योगी के कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिसमें सबसे अहम है केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी। इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। उत्तर प्रदेश के कई मुद्दे उठाए जाएंगे सीएम योगी की इस बैठक में। इस मुलाकात में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, काफी अहम माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, दिल्ली पहुंच रहे हैं, बड़े चेहरों से मिलेंगे, संगठन के सभी बड़े मंत्रियों से मिलने की बात जो कही जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि कोई अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है सीएम योगी को, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अहम जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार बनी है, 10 मार्च को इसका जो है रियल परिणाम आया था, उसके बाद 1 महीना पूरा हो गया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 100 दिन का एजेंडा बनाए हुए हैं और बहुत तेजी सक्रियता से काम कर रहे हैं, और अभी उन्होंने हाल में ये भी कह दिया है कि जो काम हुए हैं, जो प्रोसेस चल रही है जितनी भी योजनाओं की, उसकी सारी प्रोसेस की जानकारी, समीक्षा की जानकारी सारे मंत्री हैं अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। इसके साथ ही साथ माना सकता है दिल्ली गए, इसके पहले मैं आपको बता दूं अमित शाह से भी लगातार दोनों मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य भी मिले थे, उसके पहले बृजेश पाठक भी मिलने गए थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक साथ वहाँ पर गए हैं। माना जा सकता है कि बड़ा वहाँ पर फैसला है, हालांकि फैसले कई हुए हैं वहाँ पर। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, और साथ ही साथ प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी वहाँ पर रहेंगे। तो माना जा सकता है एक बड़ा फैसला प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी आ सकता है, कि हालांकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो स्वतंत्र सिंह हैं, और साथ ही साथ उनको भी सरकार में जल शक्ति मंत्री भी बनाया गया है, तो कुर्सी खाली होने वाली है। उसके लिए एक गहन मंथन भी करना है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और बहुत अहम चुनाव है। कहा जाता है कि इनकी जो चाबी है मुंशी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको देखना पड़ेगा और फैसले लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का भी फैसला हो सकता है, और साथ ही साथ माना सकता है कि जो अभी हाल में ही जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जो संसदीय बोर्ड है उसको भंग किया है, उसका दोबारा उसको पुनर्गठन कर रहे हैं, तो योगी उसका हिस्सा भी हो सकते हैं। गौरव, जिस तरह से कई वरिष्ठ नेताओं को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाता है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को इस में शामिल करने की जो कवायद चल रही है, जो चर्चा तेज चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं कि युवा चेहरा है सीएम योगी आदित्यनाथ, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी? नहीं, युवा चेहरे हैं, और साथ ही साथ जैसा उन्होंने कमाल किया है, भाई पहली सरकार बनाई उसके बाद 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाई और साथ ही साथ दोबारा सीएम बने, तो बहुत बड़ा यहाँ पर प्रभाव छोड़ा है जनता के बीच। जो समझ जो जैसा रहा है कि चुनाव भी पास है, 2024 चुनाव है, और संसदीय बोर्ड की जो उनका संसदीय बोर्ड था उसको अभी हाल में ही जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भंग किया था, उसकी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। तो माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो कद है वो बढ़ाया जा सकता है और उनको संसदीय बोर्ड का सदस्य भी बनाया जा सकता है, ऐसी की
ऐसी सूत्रों की जानकारी, हालांकि अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगी है, पर जिस तरह से माना सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी इसमें मैन है और संसदीय बोर्ड की बैठक में उनको सदस्य बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि कुछ और यूपी सरकार के कामकाज पर भी चर्चा होगी कि आने वाले समय में, जो कि 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है, कि 2024 के चुनाव को लेकर यहाँ पर गहन मंथन भी किया जाने वाला है। जी गौरव, जिस तरह से लगातार केंद्र के बड़े मंत्री यूपी आए हैं और अब यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हैं, तो क्या लगता है कि यूपी की बागडोर क्या केंद्र के हाथ में भी रहेगी? नहीं, यूपी के उत्तर प्रदेश का हमेशा से बड़ा यहाँ पर स्थान रहा है केंद्र सरकार में। मैंने आपको पहले बताया कि कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में आप जीत हासिल कर लेते हैं तो केंद्र सरकार में, केंद्र में जो सरकार बनाने की आपकी जो मेहनत होती है सफल, वो रंग लाती है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही केंद्र में सरकार बनती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें अगर देखा जाए लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो साथ ही साथ जिस तरह से आपने देखा था चुनाव में, हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखे थे कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व पूरा लगा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभाएं कर रहे थे, अमित शाह लगातार सभाएं कर रहे थे, राजनाथ सिंह लगातार सभाएं कर रहे थे, तो जो सबने जो मेहनत की है उसका परिणाम आया है। 37 साल पुराने मिथक को टोटल भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी, तो निश्चित रूप से केंद्र के नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब केंद्र की नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर कुछ अहम फैसले भी करेगा, और आगामी 2024 चुनाव के लिए गहन मंथन भी होगा, साथ ही साथ ये योजना बनाए जाने वाली कि कैसे हम काम करेंगे कि 2024 में भी उत्तर प्रदेश से हमको बड़ी बढ़त हासिल हो। जी गौरव, केंद्रीय मंत्रियों के साथ तो बैठक की बात कही जा रही है, बड़े चेहरे भी इस बैठक में शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या वो भी चर्चा में भाग लेंगे या सिर्फ उनके साथ शिष्टाचार भेंट होगी सीएम की? देखिए अभी हालांकि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, निश्चित रूप से दिल्ली गए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तो जरूर होगी, अब शिष्टाचार भेंट ही होगा, उसका हो सकता है कि संसदीय बोर्ड की जो बैठक, अगर जो बैठक होने वाली हो या पुनर्गठन हो उसमें भी चर्चा हो सकते हैं, साथ ही साथ जो बड़ी बैठक वहां पर हो रही है जिसमें अमित शाह भी रहेंगे, बीएल संतोष रहेंगे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा प्रदेश मंत्री जो सुनील बंसल भी रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर हैं और वहाँ पर विशेष चर्चा होगी। हालांकि पीएम मोदी की उस बैठक में शामिल होने की अभी कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल जो भी मुद्दा है वो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड के में सदस्य बनाने का भी है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इस पर भी मंथन होगा। जी क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितने बजे तक ये बैठक हो सकती है, कब तक हो सकती है ये बैठक? देखिए 2 बजे निकले वो वहाँ पर दिल्ली पहुँच चुके हैं, पर अभी यहाँ पर जो बैठक का मैं आपको समय बताऊँ तो बैठक मान सकता है कि शाम को 5 बजे बैठक शुरू होगी, और तमाम बैठकें वहाँ पर होनी है, कामकाज को लेकर भी बैठक होगी, इसके अलावा संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होना है, जेपी नड्डा साहब करेंगे तो उसकी भी बैठक होगी, इसके अलावा जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए 24 में उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाना है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी निश्चित रूप से, और साथ ही साथ यूपी सरकार के आने वाले समय में कामकाज क्या होगा, क्योंकि जैसे ही सरकार दोबारा दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय नजर आ रहा है, 100 दिन के एजेंडे के साथ काम कर रहा है, उनका कहना है कि 100 दिन के एजेंडे के बाद फिर अगला एजेंडा तय होगा और हम एजेंडे बाय एजेंडे काम करेंगे, जनता को राहत पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सभी बड़े चेहरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे, मुलाकात करेंगे, और यूपी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। रुक करते अगली खबर की तरफ। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब यूपी एटीएस को मुर्तजा की कस्टडी 16 अप्रैल के दोपहर 12 बजे तक के लिए मिल गई है। आज गोरखपुर के ACJM कोर्ट में उसे पेश किया गया। ATS ने मुर्तजा के रिमांड दिन 5 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। यूपी ATS ने सबूत के तौर पर एयरगन, लैपटॉप और दूसरी चीज़ें भी पेश की हैं, यानी कि सबूतों को पेश किया गया है। इन सबूतों के आधार पर ही कस्टडी की डिमांड करी गई थी, जिसे मंजूरी भी मिल गई है। आपको बता दें कि 5 दिन की कस्टडी की अर्जी दी गई थी, 5 दिन के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। आज यहाँ अहमद मुर्तजा अब्बासी को ATS और शाहपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन किया था न्यायालय में। न्यायालय ने बहस के उपरांत ये पाया कि नहीं, अभी जुडिशल पुलिस कस्टडी रिमांड देना जरूरी है विवेचना के लिए, जाँच के लिए। इस आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अच्छा, ये जो रिमांड की प्रक्रिया है,
ये कितने दिनों तक रहती है और कैसे किस तरीके से न्यायालय इसे रिमांड देता है इसे जांच अधिकारी? नहीं, जिस दिन पकड़ा जाता उससे 14 दिन तक मैक्सिमम ये पुलिस को फिर रिमांड दिया जा सकता है। तो अभी 16 तारीख तक इसको बढ़ाया गया। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? 5 दिनों की जो रिमांड की अर्जी थी उसे स्वीकार कर लिया है कोर्ट ने, अब आगे किस तरह से जांच होने वाली है? रिमांड उसकी बड़ी है, उसके लिए अर्जी डाली हुई थी और कोर्ट ने उसकी अर्जी बढ़ा दी। इसके बाद पूछताछ के लिए वापस उसे लखनऊ ले गई है, भारी सुरक्षा बल के बीच उसको लेकर के गई है लखनऊ और वहां पे उससे आगे की पूछताछ होगी। हालांकि पूरे प्रकरण में एयरगन, लैपटॉप, जो भी चीजें थी गवाही और सबूत के रूप में उसको पेश किया गया है ताकि इसकी रिमांड ली जा सके और बढ़ाई जा सके, क्योंकि एटीएस को इसमें कुछ ज्यादा ही खुलासा करना था, कुछ ज्यादा ही चीजें थी। लेकिन इसके आधार पे इसके बाद एक चीज और बता दें कि जाहिर सी बात है इसमें कार डिटेल अहम भूमिका निभाती है और कार डिटेल भी एटीएस ने पेश किया था, जिसके हिसाब से ये मुर्तजा जो है कई लोगों से, संगठनों से जुड़ा रहा है, काफी लोगों से बातचीत हुई है और इसी के आधार पे सारे उसके परिचित और दोस्तों को और जिन जिन से वो मिलने गया, चाहे नेपाल की बात करें वहां जाता था, वहां पे भी उसको, मुंबई में भी सभी को उठाया जा रहा था, उनसे पूछताछ हो रही थी और इसी के आधार पे पता चल रहा है। और पूरी तरह से कार डिटेल के आधार पे और उसके लैपटॉप के आधार पे ही आधारित होगी जांच का केंद्र और इससे ज्यादा जानकारी के लिए ही एटीएस लगी हुई है और इसकी रिमांड सुनाई जा रही है। जी, रिमांड बढ़ाने के लिए जो अर्जी दी गई थी, साथ ही जो सबूत पेश करे गए, इन सबूतों की भूमिका कितनी अहम रही है हिमांशु? बिल्कुल, सबूत काफी सुचारू रूप से पेश किए गए थे और दलील भी बहुत अच्छी रही है। एसीजीएम के वहाँ कोर्ट में इसकी थी, एसीजीएम प्रथम के कोर्ट में, और जाहिर सी बात है कि दलीलों को सुनने के बाद एसीजीएम ने वो रिमांड बढ़ा दी है और इसको कस्टडी में दे दिया गया है। अभी आगे की पूछताछ के लिए एटीएस लखनऊ ले जा चुकी है, वहीं उससे पूछताछ होगी, आगे की जांच होगी और आगे हो सकता है कि इसमें कोर्ट में अर्जी आगे फिर दाखिल की जाए कि इससे जो है किसी तरह से इसकी और जांच करने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से चक्री जो है वो घूम रही है आसपास आतंकवादी संगठनों से, इसका जो टेरर फंडिंग किया हुआ है और जुड़ाव रहा है, सीरिया में भी इसकी बातचीत होती रही है, इसी के आधार पर पूरी तरह से फोकस है कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं करने की कोशिश में था ये। हिमांशु, आगे की जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए और साथ ही साथ मुर्तजा पे दबाव बनाने के लिए क्या उसके परिवार से भी पूछताछ करेगी यूपीएटीएस? ये लगातार उसके परिचित, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार से सीखा बता दें कि पूछताछ जारी रही है। हालांकि अब बाकी आपसी तक जो कि उसके रिश्तेदार का है वहां ये रहता था, उनको भी बुलाया गया था, यूपीएटीएस ने बुलाया था लखनऊ में, उनसे बातचीत हो रही थी, उनसे पूछताछ हुई है, आगे भी इनके परिवार से पूछताछ होगी और कहीं ना कहीं उनको लगता है एटीएस को कि इनके परिवार भी छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पूरी तरह से मदद कर रहा था इसका परिवार भी इसको बाहर भेजने में और ये यहाँ से दुबई भाग जाना चाहता, सऊदीया भाग जाना चाहता था, तो ऐसे में परिवार इसकी पूरी मदद कर रहा था, परिवार के द्वारा इसके अकाउंट में 20 लाख रुपए भी डाले गए थे। अगर बात करें मुर्तजा के बयान की, तो यूपीएटीएस से पूछताछ के दौरान अभी तक किन किन बातों को कबूल किया है इसने? अपने कुछ दोस्तों का उन्होंने नाम बताया था कि जिससे वो बातचीत करता था और इसमें लगातार कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव रहा है और उसके दोस्त को भी उठाया गया था, उसने भी बताया है नेपी हम लोग की बात होती थी इसकी और जाहिर सी बात है अगली बार उसमें पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके दोस्तों को तो छोड़ दिया है मुर्तजा के, लेकिन मुर्तजा पे केंद्रित किया हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है मुर्तजा कहीं ना कहीं सीरिया में बात करता था, सीरिया में एक लड़का एक लड़की से बात करता था, कौन युवक युवती थे इस बारे में पुलिस पता लगा चाहती, क्या उसका किसी आतंकवादी संगठन से लेना देना था, ताल्लुक था, इन पूरी बातों का, इन पूरे तथ्यों की जांच कर रही है एटीएस और 2015 से 2017 के बीच में जिन जिन लोगों को इसने अकाउंट से बाहर पैसे ट्रांसफर किए थे, चाहे वो आप बात करते हैं अमेरिका की हो, सीरिया की हो या पाकिस्तान की हो, इससे भी जांच केंद्रित कर रही है और एटीएस इससे भी निगाह रखी हो और इसी बात पे पूरी तरह से इसके अकाउंट को स्कैन करके कोशिश कर रही है कि पता लगाए कि कहां कहां कैसे कैसे इसने किया है, क्या इसके कुछ और अकाउंट भी हैं जिनसे ये टेरर फंडिंग करता था। जी हिमांशु, जिस तरह से इसके जो मानसिकता हो गई थी आतंकवादी और जिस तरह से ये प्रभावित हुआ था आतंकवादी गतिविधियों से, तो क्या इसने अपने साथ और लोगों को शामिल करने की भी कोशिश करी? जी, नेपाल में आपको बता दें कि ये जब भी जाता था तो नेपाल से आते समय बॉर्डर से जितने भी मदरसे पड़ते हैं वहां पे कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनसे कह सकते हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है, जिससे हमेशा खुफिया विभाग की नजर रहती है, ऐसे में हम बता दें कि वहां जाता था और
लोगों को और बच्चों को प्रेरित करता था, बताता था कि आप इस तरह से आतंक के और इस्लाम के ऊपर चलिए और आप इस्लाम की वो कीजिए, और इसके साथ ही साथ वो साफ साफ कहता था कि यहाँ पे दुनिया जो है इस्लाम के खिलाफ है, दुश्मन है, और ये पूरी तरह से माइंड वॉश करना चाहता था एक तरह से और आतंकवादी बनाना चाहता था। अगर आगे की कार्यवाही की बात करें तो 5 दिन की जो कस्टडी मिली है तो क्या इसकी समय सीमा और बढ़ाई जाएगी जांच को देखते हुए? जी बिल्कुल सीधा, इसके लिए सीधा आपको बता दें, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सीधा आपको बता दें कि इसकी जो है कस्टडी बढ़ाने की मांग आगे कर सकती है, क्योंकि एटीएस कुछ बड़ा खुलासा करना चाहती है और चीजों को पूरी तरह से सामने नहीं ला रही है, तथ्यों को सामने नहीं ला रही है, और जाहिर सी बात है कि पूछताछ में काफी कुछ आया है और इसी के आधार पे एटीएस आगे की कार्रवाई करना चाहती है, आगे की जांच करना चाहती है, जांच को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसका समय सीमा समाप्त हो रहा था और ऐसे में वापस अर्जी डाली थी रिमांड के लिए और पुलिस कस्टडी के, तो जाहिर सी बात है उसको मिल चुकी है और इसके बाद से ही अगली कार्रवाई और अगला कदम उठाया जा रहा है, उससे पूछताछ लखनऊ ले जा चुकी है एटीएस, हालांकि पूछताछ करेगी और इसके बाद वो दोबारा भी हो सकता है कि जांच के लिए और उससे पूछताछ के लिए अर्जी दाखिल करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। तो 5 दिन की कस्टडी मिल चुकी है यूपी एटीएस को और अब आगे जांच करी जाएगी, 5 दिन के लिए पूछताछ होगी, साथ ही साथ अगर कुछ अहम सुराग हाथ लगता है या फिर कुछ जाँच के दायरे को और बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है तो एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा इस अर्जी को एक बार फिर से कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कस्टडी की जो समय सीमा उसको बढ़ाने के लिए एक बार फिर से अर्जी दी जा सकती है। गाजियाबाद जिले के निजी स्कूल में छात्रों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद के 2 निजी स्कूलों में 5 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। वैशाली के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल में भी कोरोना बम फूटा है। स्कूल में 3 कक्षाओं में छात्र कोविड संक्रमित मिले हैं। छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद इस स्कूल में भी अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। वहीं बीते दिन सेंट फ्रांसिस स्कूल के 2 बच्चे संक्रमित मिले थे। तो 5 बच्चे जो कि निजी स्कूलों के हैं, 5 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, यानी कि अब जो कोरोना का संक्रमण है वो बच्चों पर भी प्रभावी होता नजर आ रहा है। और गाजियाबाद से हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, बच्चों पे भी अब कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, स्कूली बच्चे जो कि छोटी क्लास के हैं वो भी अब कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है बच्चों के बीच कैसे पहुंच रहा है कोरोना? देखिए, आपको बता दूं, साफ तौर पे जिस तरह से कोविड के गाइडलाइंस खत्म कर दी गई थी उसके बावजूद भी बच्चों के अंदर में जो संक्रमण के लक्षण आने अब इस समय पर, जिसके बावजूद जबकि टीकाकरण लगातार सरकार द्वारा लगाया जा रहा है सभी बच्चों की, और जो 18 साल से ऊपर ऊंचे बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी लग रहे हैं खासतौर पर, और बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है, उसके बावजूद भी इस तरह के संक्रमण गाजियाबाद के अंदर फैलना ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी सीएमओ से बात भी हुई थी तो सीएमओ ने खुद इस चीज को पूरा संज्ञान लिया और पूरे जितना भी विद्यालय है जो जहां पर संक्रमित पाए गए हैं बच्चे उन लोगों को बकायदा उनको परामर्श दिया जा रहा है और उनको सलाह दी जा रही है किसी के संपर्क में ना आए, और खास तौर पे जो स्कूल है, स्कूल की बात करें तो स्कूल को भी काफी हद तक, मतलब अब तक काफी समय हो गया है तो उनको सैनिटाइज भी किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। जी प्रवीण, जब स्कूल खुल रहे थे तो ये एक आशंका थी लोगों के मन में कि बच्चे वहाँ पे कैसे कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, लेकिन माना जा रहा था कि स्कूल प्रशासन ये फॉलो करवा लेगा, लेकिन जैसे कि सभी जगह पे लापरवाही देखने को मिली, स्कूलों में भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली जिसका ये परिणाम सामने आया है, कितना हद तक सही मानते हैं? देखिए बिल्कुल, साफ तौर पे बता दूं कि जिस तरह से जो कोरोना की गाइडलाइंस थी कि स्कूलों को खास तौर पे चेताया भी गया था कि आप लोग अपनी जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, क्योंकि हमने जो सुचारू रूप से जो स्कूल जो कॉलेज जो बच्चों के खोल दिए गए हैं उस पर खास तौर पे स्कूल प्रबंधक को खास तौर पे इस चीज की जानकारियां और कोविड गाइडलाइन की सारी प्रोटोकॉल का नियम का पालन करने के लिए खास तौर पे उनको हिदायत भी दी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं बच्चे, इसका एक विशेष कारण ये भी हो सकता है क्योंकि दिल्ली और एनसीआर, ये दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है क्योंकि एनसीआर में काफी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं क्योंकि बड़े नामी ग्रामी स्कूल हैं जिन स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जैसा कि जो के आर मंगलम है काफी बड़ा स्कूल है, इसमें इस तरह से अगर जो बच्चे कोविड के जो
कोविड के संक्रमित हुए हैं बच्चे, खासतौर पे इन बच्चों का इलाज भी जारी है, लगातार सीएमओ के टच में है इनके परिवार वाले और लगातार उनसे विचार विमर्श भी किया जा रहा है कि कोई तकलीफ किसी प्रकार की होती है तो आप हमसे संपर्क करिए। जी जी, अगर बात करी जाए लापरवाही की, तो जिस तरह से लापरवाही हर तरफ देखने को मिल रही है, सरकार द्वारा किन चीजों में छूट दी गई है और क्या कोरोना प्रोटोकॉल को खत्म कर दिया गया है जिस तरह की ये लापरवाही हुई है, और अगर लापरवाही स्कूलों में की जा रही है तो क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है सरकार द्वारा? प्रवीण, देखिए बिल्कुल साफ तौर से बता दूं, जिस तरह से स्कूल में लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जब सभी को बोल दिया गया है, सभी स्कूल प्रबंधक को बोल दिया गया है कि आप लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, अदरवाइज अगर आप लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में आपको बता दें तो गाजियाबाद के सीएमओ है खासतौर पर, उन्होंने भी कई स्कूलों को हिदायत भी दे दी है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनकी खासतौर पर स्कैनिंग हो, बराबर उनको सैनिटाइज कराया जाए, खासतौर पर अगर किसी बच्चे के अंदर में कोई तापमान अधिक दिखता है, जिस तरह से गर्म, क्योंकि अभी गर्मी का समय भी आ गया है, तो बच्चे जब निकलते हैं आते हैं घर स्कूल के लिए तो उनका थोड़ा धूप की वजह से तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, उसके कारण भी जांच में पुख्ता तौर पे ये चीज सामने नहीं निकल के आ पाती है कि बच्चा ये इसका जो तापमान है क्यों बढ़ रहा है। लेकिन खास तौर पे जो गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में हर स्कूल को खास तौर पे बता दिया गया है कि आप लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे गाजियाबाद से। अलीगढ़ में दहली गेट इलाके के जिला अस्पताल में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने के लिए दोनों पक्षों के लोग आए थे, तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप जमकर मारपीट हुई है दोनों पक्षों में। जिला अस्पताल के अंदर ये मारपीट हुई है, जहां मेडिकल परीक्षण के लिए आए थे दोनों पक्ष, वहां पर जमकर मारपीट हुई और तस्वीरें अब इसकी वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं बहुत तेजी से, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। और अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं इस खबर पे। नितेश, क्या जानकारी है दोनों पक्ष के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, अगर बात करी जाए दोनों पक्षों की, तो बताया जा रहा है रंगदारी को लेकर इन दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी, और लड़ाई होने के बाद इनको मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, और जिला अस्पताल लाके वहां पर भी इन दोनों के बीच बहुत सारी मारापेटी हो गई। उस चक्कर मारापेटी हो गई और लगातार इन लोगों में विवाद चलता रहा वहां पर भी। जी, तो कितनी देर तक ये विवाद चलता रहा और प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं इस वीडियो वायरल होने के बाद? अगर प्रशासन की बात करें, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रशासन मौन था। प्रशासन होने के बाद भी उनके सामने ही मारा पीटी चालू रही, और लगातार आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को मारा पीटी करते रहे हैं और प्रशासन मौन था वहां पर। जी, तो क्या अब इस पे आगे कुछ कार्यवाही होगी, इसकी जाँच किस तरह से होगी? जब से जो वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्ती में आया है और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे अलीगढ़ से। तो हंगामा और मारपीट दोनों चीज सामने आई है और इसका वीडियो भी वायरल हो गया है, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हंगामे और मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।